हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा। हम स्पेशली बात करेंगे इसमें जो मल्टीपल रिफ्यूजल ले चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी कॉमन होता है। जब भी कोई वीडियो आती है या कमेंट में लोग पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि हमारे दो रिफ्यूजल है, चार रिफ्यूजल है और मल्टीपल रिफ्यूजल के बाद वीजा ट्राई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस दूंगा कि आप ट्राई कर सकते हैं, किन चीजों का अपने ध्यान रखना है, क्या क्या स्नैरियो रह सकते हैं और ऑलमोस्ट कहां तक आपका सक्सेस रेट आने के चांसेस होते हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखें। किसी को भी फाइलिंग में असिस्टेंस चाहिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो रिफ्यूजल होती है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो रिफ्यूजल आती है वो थोड़ी जेनरिक होती है। मीन टू से कि प्रोफाइल स्पेसिफिक बहुत कम रिफ्यूजल में लिखा होता है, लेकिन उसको पढ़ना, एक तो नॉर्मल रिफ्यूजल लेटर पे जो लिखा होता है, जैसे आप चेक कर सकते हैं पीछे, नॉर्मल रिफ्यूजल लेटर पे लिखा होता है जी हमने देखा आपका ये प्रोफाइल था, ये था आपके ये डॉक्यूमेंट थे, फाइनेंशियल था, ये था, और उसके बाद हमें लगता है कि दीज आर नॉट सफिशिएंट एज पर योर लिविंग कंडीशन, या जो लिविंग कंडीशन या इकोनॉमी की जो सिचुएशन है आपकी होम कंट्री इंडिया में, जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है कि आप इसके लिए वापस आओगे। ये जेनरिक हो जाता है। अब क्योंकि मैं जेनरिक क्यों बोल रहा हूँ उस चीज को कि ये नॉर्मल रीजन में आता है, क्योंकि आपको कई बार लगता है कि फाइनेंशियल के ऊपर ऑब्जेक्शन है, फाइनेंशियल सफिशिएंट नहीं कहा, और ये चीज वो 20 लाख जिसके अकाउंट में फंड है उसको भी लिख सकते हैं, जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर उसको रिफ्यूज करेंगे तो यही रीजन देंगे वो, जबकि सेम तरह के प्रोफाइल को वीजा भी दे देंगे। तो इस चीज को उतना सीरियस लो जितना आपके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। मीन टू से कि अगर तो आपकी सैलरी 10,000-15,000 आपकी सैलरी है, ठीक है, एज आपकी 30 से बिलो है, अनमैरिड हो, पीछे कोई टाइप बनते नहीं है, तो आप पे तो ये सीधा सीधा इंप्लीमेंट होता है। लेकिन ये इन्होंने नॉर्मल रीजन बना लिया, हर किसी को जब भी किसी को डिक्लाइन करना है तो यही रीजन चिपका देना है। कई बार कुछ 2-4 लाइनें और कर देते हैं या इधर उधर करते, अब मुद्दा है कि रिफ्यूजल आ गई यही रीजन के साथ, या कुछ और थोड़ा आगे पीछे रीजन कर दिया, अब क्या करें। अब देखो कैटेगरी वाइज बताता हूँ, अगर तो कोई एज्ड पर्सन है, 50+ उसकी एज है, ठीक ठाक जॉब कर रहे हैं, या बच्चों ने स्पॉन्सर किया था, उनको तो आप चाहे 2-4 दिन बाद रिट्राई कर लो, चाहे 1 वीक बाद, चाहे 30 डेज बाद, लेकिन मेक श्योर करें कि प्रोफेशनल एडवाइस ले लें कि एक्चुअल में लास्ट टाइम क्या कमी रह गई थी। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जो फाइल लगवाते हैं या कहीं से लगाते हैं, तो उसमें प्रॉपर आपका प्लान मेंशन नहीं है, प्रॉपर आपका इनविटेशन के डॉक्यूमेंट नहीं लगे। तो कई बार मेरे पास केसेस आते हैं जब फाइल निकालते हैं पता चलता है कि उनमें पेरेंट्स की एप्लीकेशन थी, लेकिन बच्चों ने जब खुद लगाया तो उन्होंने बस इनविटेशन कुछ नहीं लगाया, अपनी कोई आईडी नहीं लगाई, सिंपल लिख दिया पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों को मिलने जा रहे हैं, बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, एड्रेस आता है वहां पे, नाम लिख दिया एड्रेस का, लिख दिया दैट्स ऑल, जबकि फाइनेंशियल का कोई भी प्रूफ, जो इनवाइटर का कोई भी प्रूफ बीच में लगा। ऐसी कई बार छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से भी रिफ्यूजल आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीजा दोबारा से लिया जा सकता है, पेरेंट्स के लिए आसान है। अगर आपके अच्छा प्रोफाइल था, आपकी रिफ्यूजल आ चुकी है, तो आप बिना वेट के एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि उन वर्डिंग में मत जाओ, एक्चुअल में क्या सिनेरियो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से जब प्रोफाइल को देखते हो, एक्सपर्ट एडवाइस ले लेना, तो आपको पता चल जाता। अब बात करते हैं जो यंगस्टर होते हैं जिनका ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि रिट्राई करना है, स्टडी रिफ्यूज हो गया, विजिटर रिफ्यूज हो गया, 2 बार रिफ्यूज हो गया, 4 बार रिफ्यूज हो गया। देखिए आपके लिए एडवाइस क्या है कि आपके चांसेस कभी भी 50-60% से ऊपर नहीं जाने, चाहे आप जितनी बार मर्जी एप्लीकेशन लगा लो, चाहे 5 लाख फंड को 10 लाख कर लो, 10 को 20 लाख कर लो, वट एवर आप कोई भी सिनेरियो लगा लो, सैलरी 25 थी 30 थी, उसको 35 कर लो, उसको 40 कर लो, आप क्योंकि हाई रिस्क एप्लीकेंट हो तो आपके लिए लक ट्राई करने वाला सीन होता है। लेकिन प्रॉपर वे में ट्राई करें, अगर इंस्टेंट रिफ्यूजल आती तो आपका क्योंकि प्रोफाइल में एकदम से कुछ चेंज आना नहीं है, तो आपको नहीं कहता कि 2 दिन बाद लगा लो। हाँ, अगर प्रोफाइल अच्छा था तो आप चाहे 1 वीक बाद लगा लो, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रोफाइल आपको ही पता होगा कि प्रोफाइल अगर एवरेज कैटेगरी में था तो अगर तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जो आपको लगता है कि किसी एंगल पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही थी, कैश सैलरी ले रहे हो, आईटीआर आपकी फाइल नहीं की थी तो आईटीआर फाइल कर लो, सैलरी कैश में तो कोशिश करो कि 3 महीने कम से कम सैलरी अकाउंट में ले लो, उसके बाद अप्लाई करो। सिंगल अप्लाई कर रहे तो ट्राई करो कि मदर के साथ अप्लाई कर लो, या फादर को वो एप्लीकेंट बना लो, और कोशिश करो कि इनविटेशन मंगवा लो किसी से, कोई भाई बहन कोई दोस्त है उनसे इन्विटेशन मंगवा लो। तो
ऐसे थोड़े से चेंजेस करके कि एक्चुअल में अब देखो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, प्रोफाइल वाइज चेंजेस आती है तो सबका तो जो आइडिया नहीं दे सकते कि वीडियो में, लेकिन एक ओवरऑल अगर बताएं तो अगर कुछ भी स्कोप इम्प्रूवमेंट का है वो कर लें, अगर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है तो हर दो चार महीने बाद ट्राई करते रहो, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप कई जगह पे आता है, जैसे आप कभी ट्रैवल नहीं हो तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, तो मैंने सारा कुछ एक ही लाइन में कर दिया कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो देख लो, अगर सब कुछ ठीक है इम्प्रूवमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो आप कुछ मंथ के बाद गैप डाल के 4-6 महीने गैप डाला, ट्राई किया नहीं आया, किसी और कंट्री ट्रैवल कर लिया, फिर ट्राई कर लिया नहीं आया, फिर किसी और कंट्री ट्रैवल कर लिया, तो ये आपके लिए जो रास्ता है थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन यही एक वे है कि आप अटेम्प्ट करते हो। बाकी मार्केट में बहुत चलता है जो शॉर्ट शॉर्ट वीजा है, ये है वो है, ध्यान रखना इन चीजों में, ऐसे लोग भी फंसते हैं जब आपको 20095 सीरीज वाला वीजा दे दिया जाता है, जो कि आपको पता ही है कि फेक डॉक्यूमेंट यूज हुए, वो आपके भी नहीं हुए, किसी का वीजा उसमें आपका नाम अपडेट कर दिया, उसमें आजकल तो पता ही सबको कि बॉडी को लेकर भी इशू चलते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको प्रोफाइल असेसमेंट करवाना है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के जो है, अगर आपके प्रोफाइल रिगार्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट करने के कोई सजेशन होंगे तो मैं आपको बता दूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा कहता है जी हमारा सारा कुछ ठीक है, करंट अकाउंट भी है, लेकिन करंट अकाउंट जब देखते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड नहीं होती, उसमें क्या होता है कि मान लो बिजनेस तो उसका किराना शॉप का है, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन कैसे आ रही है कि महीने में 4 या 5 ट्रांजेक्शन है, कैसे 2 लाख आया, 1.5 लाख आया, 3 लाख आया, और ऐसे किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम से आया, तो वो कोई बिजनेस की हेल्दी ट्रांजेक्शन में नहीं काउंट होता, ऐसे बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अगर मल्टीपल फ्यूजल आ चुकी तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, लेकिन यस मेक श्योर करें कि प्रेजेंटेशन या कवरिंग पे आप अच्छे से काम करो, क्योंकि बहुत से केस है, मेरे पास भी कई एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट वीडियो में ये वीजा दिखाया था, तो अच्छा प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब है, बैंक में लगे हुए हैं, 2 रिफ्यूजल आ चुकी थी तो 3rd अटेम्प्ट में आ गया, हो सकता 3rd अटेम्प्ट में ना आता तो शायद फिर 4th अटेम्प्ट करनी पड़ती, तो डिपेंड करता है, अगर ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम जो है अटेम्प्ट जरूर करते हैं, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।